हिलते हैं। यहाँ पे कॉल पे आए अभी और कॉल पे आने के बाद लोगों ने बताया हमको एक बिल के अंदर है, बिल पे यहाँ से दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई नहीं देगा वो क्योंकि काफी अंदर है और जहाँ तक मैंने उसको देखा है तो मेरे हिसाब से वो रैट्स नहीं है और घबराने की कोई बात नहीं है, तो हम उसको कोशिश करेंगे बाहर निकालने की और बाहर निकालने के बाद इसके बारे में थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये नहीं कि कुछ ये फाइनल नहीं फाइनल के साथ डैमेज होईल तू डैमेज होणार तो ताकत एवढी असते ना तर आम्हाला पण भीती वाटते लास्ट मॅचला तो डॅमेज फाइनल पार्ट मध्ये होईल एवढी ताकत लावतो ना पॉइंटला ताकत असते बूस्टने बनाया दोन गटा आहे ऐसा ऐसा साप तो पहिली बार पकड रहा मित्र साल झाड मेरे पसीने निकाल दिए मेरे आरकले मुन अरे पानी वगैरह पानी का अकल पड़ गया इधर ही लक्ष्मी जल्दी ना फटाफट एक्शन दिखाना स्पीड में ले काम कर यार सब आप लागला बराबर है बराबर है बराबर है बराबर है अरे सामने का निकल हमारा भाई साहब पहला मकसद क्या रहता है कि वो डैमेज नहीं होना चाहिए, अगर वो गलती से छूट के निकल गया तो चलेगा, डैमेज नहीं होना ठीक है। उसको भगवान ने दूसरे जानवर की तरह उसको जबान नहीं दिया अपने आप को चाटने को साथ में, वो अगर जख्मी होगा तो वो मरेगा ही मरेगा। सामने ले और उसको हम लोग अगर ज्यादा ताकत लगाएंगे तो वो डैमेज हो सकता है, इसकी वजह से उसको धीरे धीरे इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने आपको फ्री करे, लगभग वो सामने आ चुका है, थोड़ा सा थोड़ी कसर बाकी रही है। नहीं उनका होने दो बाद में आप ले लो, पहला उनका नंबर ये बाइट भी ले सकता है मेरे को। मैंने तो चाहता ना जोरत बाइट घर मोबाइल या तो तीन उसने गर्दन खोला ही ना, इसका मतलब वो इशारा है वो काटने का, एक बार देखा क्या मारने के बकेट लेके आओ जल्दी से, वो बकेट है ना इधर इधर है ना, चलो बस लेगा हां मैं साव की ना भगो भगो चलो पानी डाल दे काम काम कर बाहर तक काट दिया पूरे मुंह वो आ गया आ गया आ गया मुंह ने पकड़ना उसका पॉइजनस नहीं उसको मुंह पकड़ना नहीं प्यार से लेंगे ना उसको कुछ नहीं करेगा इधर बीच में रोड के बीच में आवाज कर देख सकते हैं इसको किस तरह हमने रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के लिए काफी पसीना भी बहाना पड़ा और हमारे जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं इन्होंने काफी हमको सपोर्ट किया है। काफी अच्छा इंतजाम किया सब लोगों के लिए, तो आप देख सकते हो इसको बोलते हैं रैक्स ने, काफी बड़ा है शानदार है और भूले भटके ये इंसानों के घर में या इंसानों के घर के अंदर दाखिल हो जाता है या इंसानों के आसपास कहीं पार्किंग में दाखिल हो जाता है, सिर्फ खाने के लिए चूहे खाने के लिए आता है वो, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको अच्छी तरह पहचान लो, एकदम कॉमन है, गलती से अगर आपसे ये छूट गया
अगर आपने इसको देखा है आपसे निकल के अगर आपको नहीं भी मिला अगर तो इसमें घबराने की बात नहीं है, नॉन पॉइजन है, नॉन वेनमस है, इसमें 1% भी जहर नहीं है, लेकिन घबराने पर यह बाइट भी बहुत जोर से लेता है। तो ये लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल के जो नए बच्चे लड़कियों को इंप्रेशन जमाने के लिए फेसबुक के ऊपर काफी शरणबाजी करते हैं, तो इससे उनको खतरा हो सकता है क्योंकि इसकी बाइट काफी पावरफुल है, मैं हर बार बोलता हूँ, लेकिन इसको हैंडलिंग ठीक से किया जाए तो ये कुछ करता नहीं। अभी इसने मुझे देखो कितनी जोर से पकड़ा है, यहाँ पे इसमें ताकत काफी रहती है, तो इसको आप पहचान लो। इसके ऊपर पूरे ऐसे डिजाइन रहते, जूम कर दो, इसके ऊपर पूरे ऐसे जाली की तरह डिजाइन आपको नजर आएंगे, ये जालीदार। और इसकी पूंछ को देखना है, पूंछ पे जूम, कैमरा सीधा रखिला मत। तो ये जो इसकी जो पूंछ रहती है जालीदार पूंछ आपको दिखे तो समझ जाना 100% रैट स्नेक है। बाय चांस अगर इसकी आपको पूंछ नहीं दिखती तो इसके आप चेहरे की तरफ देखना, इसके चेहरे पे आपको टाइगर की तरह ब्लैक लाइनिंग्स दिखेंगे। देखो मेरे भी हाथ कांप रहे हैं, वो खींच खींच के मेरे भी हाथ थक गए। रैटल नहीं, ये रैट है, रैट, रैटल स्नेक हाईली पॉइजनस है जो आधे घंटे में आदमी को मार सकता है, ये रैट, रैट है, रैट। तो इसके आप चेहरे को देखो, इसके चेहरे के पास आपको लाइनिंग्स दिखेंगे ऐसे, जैसे टाइगर को लाइनिंग्स रहती ना, ऐसा मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ। तो ये पहचान लेना है इससे, ये रैट स्नेक है, ये कुछ करता नहीं, इसको सही अगर हैंडल किया तो। और इस काम में हमको जो साथ दिया है, जो मदद की हमारे फायर ब्रिगेड के लोग हैं, तो आइए आप एक मिनट साथ में आओ सर। हाँ सब 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 बोलता हूँ मैं, आइए बोलिए। तो ये हमारे फायर ब्रिगेड के लोग हैं सर, आपका नाम क्या? ये हमिद खान सर है जो, और ये बाकी के आपका नाम सर? अरे जोर से बोलो जय भाई शर्मा, क्या रहते हैं? ये स्वप्निल जी है, आप? ये संदीप जी है। तो इन्होंने काफी मदद की वहाँ पे उसको निकालने के लिए, और ये सबसे बड़ा शुक्रिया मैं करता हूँ हमारे जो इधर सोसाइटी के लोग है जिन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया, और इन्होंने कोई भी मतलब मारने की कोशिश नहीं की उसको, उसके ऊपर नजर रखी, जिससे हमें उसके सही ठिकाने का पता चला और उसको सही तरीके से हमने पकड़ लिया। अब इसको सही तरीके से हम लोग इसको नेचर में हम लोग वापस रिलीज कर देंगे, ये भूले भटके यहाँ पे आ गए। हाँ तो बोल, आइए सर, आइए सर, आपका नाम बोलिए सर, जोर से नजदीक आके, घबराओ मत, क्या नाम है सर? ये उन्नी जी है, इन्होंने मुझे कॉल किया, और जैसे उन्होंने मुझे कॉल किया मैं फटाफट वहाँ पे पहुंचा हूँ, और सही वक्त पे हमने इसको सही तरीके से रेस्क्यू किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और किसी को कुछ अगर कुछ पूछना, कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकता है वो। रूबिन किधर गया भैया? रूबिन कौन है? रूबिन ने देखा ऐसे, हाँ तो ये हमारे रूबिन सर अभी इधर नहीं है, तो उसको हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने देख के ऐसा पता है। तो एक बार फिर आपको बोल देता हूँ, ये इसको बोलते हैं रैट स्नेक, इसको धामन के नाम से जाना जाता है, और कुछ स्टेटों में इसको घोड़ा पछाड़ बोला जाता है, इसका नाम है ऐसा, लेकिन ये घोड़े को पछाड़ता नहीं है, और घोड़े से कोई लेना। इसके चेहरे को आप अच्छे से एक बार फिर से देख लो, रेड स्नेक, इसके चेहरे पे आपको लाइनिंग्स दिखेंगे, आंखें बड़ी बड़ी, गर्दन छोटी, बॉडी बड़ी, ये इसकी पहचान है, रेड स्नेक, धामन बोलते हैं इसको। इसके अंदर कभी कभी ब्लैक कलर का भी आता है, तो लोग उसको कोबरा समझ के मार देते हैं, तो ये ध्यान में रखो, ऐसे किसी भी, चाहे वो कितना भी जहरीला कोई भी सांप हो उसको मारो मत, कोई भी सांप बेवजह किसको काटता नहीं है, और ये खाली पर्यावरण की रक्षा करता है। नहीं नहीं इतना बड़ा उसको कहाँ ले जाएंगे, है ना, हो जाएगा। पकड़ा गया, जाएगा जाएगा नहीं ना, नहीं नहीं सरक के जाएगी, देखिए